को भैया क्या दिखा रहे हो आज? क्रेटा। अरे ये तो पुरानी है, ये तो सब दिखा रहे थे और हमने भी दिखाई है काफी। मुझे नहीं दिखाओ, नहीं दिखा रहे हैं आजकल सब। बिल्कुल नहीं दिखा रहे, किसने दिखाया नहीं है। बेस मॉडल सिर्फ सामान रख रख के वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। पुराना गाड़ी का सामान, मैं आपको डायरेक्ट ई मॉडल दो दो गाड़ी खरीद दिखाऊंगा, दोनों में काम चल रहा है। दोनों ई वेरिएंट है, दोनों ही वेरिएंट है। ग्रिल पियानो ब्लैक है अपने? हाँ बिल्कुल, पियानो ब्लैक है। इसमें मैट आता है। फर्स्ट टाइम इंडिया डीआरएल चाबी ऑन कर दिया मैंने। जैसे की हम घुमाएंगे, ये देखो हो गया। जिनको टॉप मॉडल बनाना है तो आप इंतजार करोगे इसकी टॉप मॉडल वाली हेडलाइट कहाँ है। मैं बोला मेरे पास टॉप मॉडल वाली हेडलाइट भी आ चुका है, नई वाली क्रेटा 24-24 मॉडल का। हुंडई जेन्युइन बॉक्स से निकालेंगे अभी। ये बेस मॉडल की हेडलैम्प्स है, ये टॉप मॉडल की हेडलैम्प और जो भी अपने पास आ चुका है, और एक दो पीस नहीं कम से कम 30 गाड़ी का आ चुका है। सबसे बड़ी चीज है 2024 हो, 2023 क्रेटा हो, चाहे कुछ भी गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी हो, जब तक आप अलाय नहीं लगाओ तब तक गाड़ी का लुक नहीं आ सकता। 18 इंची अलाय एक्स लाइन सेल्टोस का सबसे बड़ी चीज है, लॉक अनलॉक। सबसे बड़ी चीज फर्स्ट टाइम इंडिया, जो अभी भी बोल रहा हूँ गारंटी के साथ, इस वाले मॉडल में पियानो में आता है, कोई पेंटेड कराया हुआ पीस नहीं है। स्टीयरिंग और क्रूज मेनली स्कैम होता है, वो होता है स्टीयरिंग कंट्रोल के अंदर। ये अपनी ओल्ड क्रेटा का, हाँ बिल्कुल ठीक है, और ये अपनी न्यू क्रेटा का। अगर लगवा रहे हो कहीं से भी ये वाला लगवाना, जेन्युइन काम करना उनके लिए। बॉस का स्पीकर तो निकू भैया मैं क्या सुन रहा हूँ, 10,000 में मिल जाते हैं आजकल, ये क्या है ये? 50,000 पीस खरीद लूंगा 10,000 में स्पीकर मिल जाएगा तो। स्पीकर बॉस का स्पीकर दूंगा 20 जीएसटी बिल के साथ दूंगा। जीएसटी बिल के साथ ओरिजिनल बॉस है तो कहीं पे 10,000 का मिल रहा है तो ध्यान रहे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आए थे निक्कू भैया के पास, और निक्कू भैया क्या दिखा रहे हो आज? क्रेटा। अरे ये तो पुरानी है, ये तो सब दिखा रहे थे और हमने भी दिखाई है काफी। मुझे नहीं दिखाओ, नहीं दिखा रहे हैं आजकल सब। बिल्कुल नहीं दिखा रहे, कोई गलत बात नहीं, नहीं किसी ने दिखाया नहीं है। बेस मॉडल सिर्फ सामान रख रख के वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। पुराना गाड़ी का सामान, मैं आपको डायरेक्ट ई मॉडल दो दो गाड़ी खरीद दिखाऊंगा, दोनों में काम चल रहा है, ठीक है। ये नहीं दिखा रहे यार, नहीं दिखा रहा यार, इसका समय गया। लेकिन इसका सामान अभी भी है जिनके पास है, तो ये नहीं कि करवा सकते हो मेरे पास आके। लेकिन आपको ई दो दो, एक मिनट, ई दो दो मॉडल मिल जाएगा। ई ब्लैक कलर, ई ब्लैक कलर, दोनों ई वेरियंट, दोनों ई वेरियंट है, ठीक है। क्या काम कर रहे हो आज? पूरा बेस टू टॉप है इसका भी, इसमें बेस टू टॉप है, इसमें भी बेस टू टॉप, बिल्कुल। तो इसमें थोड़ा इससे ज्यादा काम होगा, इसका वीडियो अलग आएगा, इसका वीडियो अलग आएगा, ठीक है। मेनली तो गाड़ी कहाँ से आई है? ये गाड़ी अपनी है कश्मीर से, कश्मीर से, हाँ जम्मू कश्मीर से, ठीक है। तो फ्रंट से दिखाते हैं क्या क्या चेंजेस होने वाले। फ्रंट से देखो, कस्टमर का डिमांड था कि हमें इस पे ग्रिल पियानो कराना है, चाहे मांग रहे थे फ्रंट ग्रिल पियानो करा रहे, ठीक है। हेडलाइट में दोनों सेट एलईडी कर दिया, इसमें क्या है नई वाली में हेडलैम्प हाई लो दोनों अलग लगा गया, फोक लैम्प का ऑप्शन हटा दिया गया है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें लगा रहे हैं ये, इसके बाद इसका मैं दिखाऊंगा वीडियो में, कस्टमर को चॉइस नहीं। हेडलाइट अपने पास आ चुका है टॉप मॉडल का, अच्छा वो दिखाऊंगा मैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें अभी अलॉय लगेगा, अलॉयज लगेंगे अभी, हाँ। इसके अंदर और कंपनी ने हुंडई ने क्या किया, ईएक्स सोचा ई हो, दोनों को फेंडर पे इस पर इंडिकेटर दे दिया, ठीक है। ईएक्स में भी ई में भी, ठीक है। इसका मिरर फोल्डिंग होना है, पूरा प्रॉपर पियानो ब्लैक होने गया हुआ है, ठीक है। ये वाला पार्ट अभी भी सिल्वर आता है, बिल्कुल अभी भी सिल्वर आता है, तो इसको हम पियानो ब्लैक कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल पियानो ब्लैक कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें शार्क फिन एंटीना लगना है, अभी शार्क फिन एंटीना लगेगा, हाँ। आगे इसका ओरिजिनल, हाँ सारा बहुत चीज ओरिजिनल आ चुका है, एक दो सामान ऐसा भी कि अभी पेंडिंग में भी आएगा, अभी गाड़ी को निकले हुए 3 दिन हुआ है, ठीक है। इसके बाद इसका कनेक्टिंग टेल लाइट भी है, अभी आया नहीं, आने वाला अपने पास 2 दिन में वो भी आ जाएगा। तो अभी ये डमी होता है, ये पार्ट डमी होता है, जलता है हल्का, एलईडी नहीं होता, ठीक है, बल्ब वाला होता है, ठीक है। इसके बाद इस पे पूरा काम जो प्रॉपर होगा ना, स्टीयरिंग क्रूज, एक चीज और दिखाता हूँ, फर्स्ट टाइम इंडिया होगा इको टॉप मॉडल बनाते हुए, ठीक है। क्रूज और स्टीयरिंग नई वाली का है, पुरानी वाली 2024 मॉडल क्रेटा, 2020 का नहीं है, 2024 मॉडल का, उसका ग्रे आता था, ये पेंटेड पीस नहीं है, जिसपे पेंट होता है, जिसपे प्लस माइनस का निशान नहीं होता है, ये हम नई वाली का क्रेटा का स्टीयरिंग क्रूज लगाए हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है, डिफरेंस है। तो एक बार ना वीडियो में लास्ट में हम पुरानी वाली क्रेटा का भी दिखा देंगे, बिल्कुल बिल्कुल, और पूरा सामान भी दिखा दूंगा, क्या क्या नई वाली का आ चुका है, क्या क्या बचा हुआ है। तो ये अभी तक फर्स्ट क्रेटा होगी जिसमें क्रूज एक्टिवेट होगी न्यू मॉडल में। न्यू मॉडल में देखो, लगाने के लिए किसी ने लगा दिया तो पुरानी वाली का लगाया होगा, ठीक है। लेकिन नई वाली क्रेटा की बात कर रहा हूँ, कि नई वाली 2024 मॉडल क्रेटा का क्रूज स्टीयरिंग मैंने लगा के दिया हूँ, ठीक है। तो इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह कुछ लगा, फर्स्ट टाइम होगा, लगा दिया है इसमें, क्या चाहिए, लगा रखा अभी, चला के दूंगा, टैब लगा दिया, ठीक है। डोर्स वगैरह डैम्पिंग कर रहे, सारा सारा डोर डैम्पिंग हो गया, स्पीकर पैनल का लग गया, मिरर फोल्डिंग होना है, ठीक है। सीट कवर लग चुका है, ठीक है, सीट कवर्स वगैरह सारी चीजें लग चुकी है, हाँ। तो मतलब क्रेटा के लिए सारा सामान आ चुका, सारा सब देखो, एक दो सामान का डिफरेंस है जो चेंज किया क्रेटा ने, ठीक है, हुंडई ने। और इसके अलावा देखो, यहाँ तक पडल रीडिंग लैंप भी लगा दिया, ये भी लगा दिया, हाँ हाँ बिल्कुल, दोनों का सेम है, ठीक है। ये भी फर्स्ट होगा अभी तक, हाँ नहीं लगा के, नहीं लगा के देखा है, ठीक है। तो इसमें अभी काम चलने देते हैं, फिर एकदम लास्ट में दिखाते हैं।
सो फाइनली यार डे टू हो रहा है और आज कंप्लीट हुई है अपनी। बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ठीक है तो डे टू कैसे हो गया? डे टू हो गया कि देखो अभी तो सर्दी का मौसम है, ठंडा है, पियानो पे पिस किया था, जैसे हमने ग्रिल पियानो किया है। ठीक है तो ग्रिल पियानो ब्लैक है अपने? हाँ बिल्कुल पियानो ब्लैक है, इसमें मैट आता है। ठीक है ठीक है, मैट अजीब सा लगता है, जैसे मैट देख सकते हो और इसको देख सकते हो। ठीक है कंपैरिजन दिखा दिया हमने, तो ये फर्स्ट टाइम होगा ग्रिल भी? बिल्कुल पियानो फर्स्ट टाइम। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है ग्रिल पियानो ब्लैक लगने के बाद देखो गाड़ी कितनी अच्छी लग रही है फ्रंट। इसका ग्रिल भी परसों से अपने पास अवेलेबल है, जितने क्वांटिटी में जितने कस्टमर को जितने चाहिए उतने पीस मिल जाएंगे। ठीक है इसके अलावा एक चीज और, फर्स्ट टाइम इंडिया DRL चाबी ऑन कर दिया मैंने, जैसे हम पुराने क्रेटा में करते हुए आए थे 2024 मॉडल में कर दिया, थोड़ा टाइम लगा लेकिन करके दिया। एक बार DRL पे जलाते इसको, एक बार जैसे की हम घुमाएंगे ये देखो हो गया। तो अभी गाड़ी ऑफ है, कोई हमने हेडलैम्प्स वगैरह कुछ नहीं किया, कुछ भी ऑन नहीं किया। ठीक है इसके बाद हमने इस पे क्या किया, दो सेट पहले वाली क्रेटा में क्या था कि एक ही में आपको हाई और लो देखने को मिलता था प्रोजेक्ट में, इस बार हुंडई ने क्या किया अलग अलग कर दिया, हाई अलग लो अलग, सॉरी हाई अलग लो अलग। ठीक है लो में प्रोजेक्टर देता है, हाई में हैलोजन देता है। ठीक है नॉर्मल देता है, रिफ्लेक्टर हाँ, रिफ्लेक्टर देता है। हमने दोनों में LED किट लगा दिया हूँ, स्पॉन्स आपको चेक कराता हूँ LED का। ठीक है पहले लो बीम जलाते हैं इसका, एक बार लो बीम जला के दिखाएंगे। तो ये लो बीम का रिस्पॉन्स है हाँ, और एक बार हाई जलाते हैं, हाई डिपर मारना, तो ये देखो ये हाई बीम का रिस्पॉन्स है। तो ये कुछ रिस्पॉन्स रहता है, ये 150 एक्चुअल वॉट है। बिल्कुल ठीक है, तो इसके लिए तो अब कुछ फॉग लैंप वगैरह तो आया नहीं इस बार क्रेटा 2024 में, फॉग लैंप का ऑप्शन कंपनी ने टॉप मॉडल से भी हटा दिया। ये नहीं कि हमारे पास नहीं है, कंपनी टॉप मॉडल में ही नहीं दे रहा फॉग लैंप। और एक चीज और बता रहा हूँ कस्टमर सब के लिए बता रहा हूँ, जैसे आप इसमें LED लगा लिया, जिनको टॉप मॉडल बनाना है तो आप इंतजार करोगे इसकी टॉप मॉडल वाली हेडलाइट कहाँ है, आया कि नहीं आया। मैं बोला मेरे पास टॉप मॉडल वाली हेडलाइट भी आ चुका है, नई वाली क्रेटा 24 मॉडल का। ठीक है ये देखो Hyundai Genuine बॉक्स से निकालेंगे अभी, तो डिफरेंस क्या है इसमें मेजर? इसमें LED चिप आता है। ठीक है कोई DRL का ऑप्शन नहीं है इस बार, जो टॉप मॉडल DRL क्यों नहीं ऑप्शन है कि हेडलाइट में तो आता है, कंपनी क्या DRL यहाँ पे दे दिया ग्रिल चेंज कर दिया। ठीक है तो इस बार DRL का ऑप्शन नहीं, LED चिप के अंदर होता है, ये इसकी हेडलाइट है। ठीक है ये बेस मॉडल की हेडलैम्प्स है, ये टॉप मॉडल की हेडलैम्प, और जो भी अपने पास आ चुका है, और एक दो पीस नहीं कम से कम 30 गाड़ी का आ चुका है, 30 गाड़ी का। अगर किसी को टॉप वेरिएंट वाली और पहले वाली पुराने वाली क्रेटा से सस्ती है। अच्छा ये सस्ती है? हाँ बिल्कुल। ठीक है तो आप जान सकते हो निक्कू भैया से कॉन्टेक्ट कर लेना प्राइसिंग के लिए। तो साइड से दिखाते हैं साइड से क्या मेजर चेंजेस करा हुआ है। साइड से सबसे बड़ी चीज है 2024 हो 2023 क्रेटा हो चाहे कुछ भी गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी हो जब तक आप अलाय नहीं लगाओ तब तक गाड़ी का लुक नहीं आ सकता। ये स्टील रिम के साथ आई थी? बिल्कुल बेस मॉडल में, तो आपको पता है ये 18 इंची अलाय एक्स लाइन सेल्टोस का। ठीक है किया सेल्टोस के अलॉयज है? बिल्कुल एक्स लाइन वाली अलाय व्हील है। अच्छा एक्स लाइन में जो आते हैं? हाँ कस्टमर को मैंने सारा ऑप्शन दिखाया था, नाइट एडिशन क्रेटा सब कुछ दिखाया था, कम से कम 15-20 ओरिजिनल दिखाया था, इनको पसंद ही यही आता है ये वाला डिजाइन, क्योंकि मैट में है ना तो ब्लैक गाड़ी में थोड़ा अलग लुक दे रहा है। ठीक है देखो काफी अच्छा लगा, टुसॉन सारा दिखा रहा था, ये भी 18 इंच टुसॉन भी 18 इंच जो दोनों अवेलेबल है। ठीक है अपने पास Hyundai Genuine सारे मिल जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, नई वाली हो चाहे पुराने वाली क्रेटा का कोई भी हो, नई वाली का खाली अपने पास दो एक अलाइबिल आ चुका है, दो अलाइबिल आना है जिसका वीडियो प्रॉपर परसों पूरा रख के दिखाऊंगा क्या क्या पूरा चीज आ चुका है। ठीक है डब्बा में तो सब वीडियो बना रहे थे, ये पुराने वाली का है ये पुराने वाली का रख के, लेकिन हम ओरिजिनल जो नई वाली गाड़ी तैयार किया उसका वीडियो बना रहा हूँ, कोई सामान का वीडियो नहीं बनाया रख के। ठीक है हम गाड़ी के साथ दिखाते हैं। इसके अलावा साइड वेंट भी लगाया हुआ है? साइड वेंट भी लगाया हूँ। ठीक है यहाँ पे इंडिकेटर आता था EX दोनों में ही आता, दोनों में आप आ गया, पहले तो EX में तो इंडिकेटर फेंडर था इसमें, और एक सबसे बड़ी चीज है जो सब लॉक। ठीक है अनलॉक मीटर फोल्डिंग। ठीक है और पेडल लैंप भी आता है इसमें? पेडल लैंप भी आता है। ठीक है और एक चीज है कि इस बार क्रेटा 2024 में क्या क्या कंपनी ने स्कीट प्लेट सिल्वर अलग डिजाइन में फ्रंट एंड बैक में दोनों में दे दिया। ठीक है इस बार साइड में क्या क्या नहीं दे रहा था, साइड में नहीं है तो अपने पास XX कंपनी टॉप मॉडल में XX में सिल्वर देती है। ठीक है नाइट एडिशन में ग्लोसी देगी, तो हमने कस्टमर का नीयत था कि मेरे को ग्लोसी चाहिए, हमने ग्लोसी लगा दिया, एक कंपनी से मैट ब्लैक आता था, कंपनी ने आगे पीछे सिल्वर दे दिया। ठीक है इनको क्योंकि पूरा नाइट पूरा फुल ओवर ब्लैक रखना था, और मेजर ये साइड में से अभी भी सिल्वर ही आता है, सिल्वर आता है तो इस पे पियानो पेंट किया हूं। ठीक है पियानो ब्लैक क्योंकि कंपनी से सिल्वर आता है तो इनको कस्टमर जो थे उनको पूरा ब्लैक रखना था इसलिए सिल्वर नहीं लगवाए, अगर ये सिल्वर रहता तो लगता क्योंकि आगे पीछे है। ठीक है इसके अलावा अपना रूफ रेल है ओरिजिनल पेच वाली। ठीक है वाइजर हाँ पेस्टेड नहीं है, स्क्रू वाला है, स्क्रू वाला है, इसके बाद कोई वाइजर नहीं है, कोई क्रोम वर्क नहीं है, बाकी सारा चीज पुराना वाला है, Hyundai का डोर वाइजर लग जाता है, पुराना वाला ही विंडो गार्निश लग जाता है,
पुराने वाले भी हैंडल लग जाएगा, हैंडल भी वही वही बिल्कुल बिल्कुल वही है, सेम है। इसका साइड बिटिंग भी वही लग जाए, सॉरी साइड बिटिंग चेंज है। अच्छा, इस बार इस बार पतला कर दिया, पहले वाला में चौड़ाई ज्यादा था। ठीक है, स्किट प्लेट जो साइड वाला लगा सेम है, सिर्फ चार पांच चीजें जो कंपनी ने चेंज किया है जो अपने पास आ चुका है। ठीक है, इसके अलावा लाए दिखा दिया। इसके बाद इसमें क्या है, कनेक्टिंग टेल लाइट है। ठीक है, बेस मॉडल हो चाहे टॉप मॉडल, इसमें क्या है कि नॉर्मल सी एलईडी की साइड जलती है। एक बार जला के दिखा देते हैं, डिफरेंस पता लग जाएगा। जो मेजर चेंज है अब हम दिखाएंगे, ये आता है ई वेरिएंट में। ई वेरिएंट में आता है एसएक्स में, या जो एसएस इसका जो मॉडल आया उसमें क्या था, इसमें जो लाइटिंग है ना इसकी रोशनी थोड़ा ज्यादा एलईडी में है। ठीक है, इसके अलावा आप एक बार जो इंडिकेटर देख रहे हो ना, वो इंडिकेटर डॉट में आता है, थ्री डॉट में आता है। ठीक है, इसका जो इंडिकेटर डायरेक्ट जो बिलिंग करता है उसका ऐसे ऐसे करता है, जैसे बिलिंग करता है ऐसे डॉट में ऐसे आता है। वो हम जरूर लगा के दिखाएंगे, जल्द जिस कस्टमर का डिमांड होगा ना उसको लगा के दिखाएंगे। बिल्कुल, मैं यहाँ तक एमआरपी पता है 8500 और 15000 के इसका समथिंग एमआरपी है, बीच का सेंट्रल का टॉप मॉडल की बात भी बता दी हमने। शार्क फिन आता है, शार्क फिन आता है, लेकिन भैया को चिपकाने वाला चाहिए था, ओरिजिनल नहीं चाहिए इसका, ओरिजिनल पुराने वाले क्रेटा में चेंजिंग है। अच्छा, ठीक है ठीक है। इसके बाद इसमें क्या किया हुंडई ने, इसमें यहाँ पे पहले वाले क्रेटा में नहीं आता था ब्रेक लाइट, इस बार हुंडई ने यहाँ पे कर दिया ब्रेक लाइट। ठीक है, पार्सल ट्रे, इसमें हमने पार्सल ट्रे लगा दी, ओरिजिनल हुंडई का ही है। ठीक है, ओरिजिनल हुंडई, और बूट लैंप भी हमने इंस्टॉल कर दिया, बूट लैंप भी सेम है पुराने वाले, वो बिल्कुल पुराने वाले हैं, पार्सल ट्रे भी पुराने वाले हैं। ठीक है ठीक है, तो एक बार इंटीरियर दिखा देते हैं। तो डोर पैनल से स्टार्ट करेंगे, तो क्या क्या करा हुआ? सबसे पहले जो हमेशा हम दिखाते हुए क्रेटा के अंदर, सबसे पहले सॉफ्ट टच। ठीक है, सॉफ्ट टच करा हुआ है, ये तो पुरानी क्रेटा से सेल्टोस में हम करते हुए। इसके बाद वन टच फोल्डिंग सेम डोर पैनल के अंदर। डोर पैनल में कलर डिफरेंस है बस, डोर पैनल में कलर डिफरेंस, यहाँ पे ब्लैक की जगह ग्रे कर दिया, बाकी ऑफ व्हाइट सेम है। ठीक है, इसका भी डोर पैनल आ ही जाएगा, टॉप वेरिएंट वाला है यार, आ चुका है, आ चुका है। हाँ ठीक है, अवेलेबल है। इसके अलावा हम इसमें सबसे बड़ी चीज, फर्स्ट टाइम इंडिया जो अभी भी बोल रहा हूँ गारंटी के साथ, इस वाले मॉडल में पियानो में आता है, कोई पेंटेड कराया हुआ पीस नहीं है, स्टीयरिंग और क्रूज। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम इन इंडिया ये क्रूज हमने इसके अंदर एक्टिवेट करा हुआ है। हाँ, और इसके बाद पियानो में पुराने वाले भी मॉडल लग जाता है, लेकिन हम पुराने वाले नहीं नया वाला लगाया हूँ। ठीक है, तो हम डिफरेंस दिखाएंगे अभी। हाँ, और इसमें वेलकम लाइट वगैरह आई है, कस्टमर का नीड नहीं था, पुराने वाला ही लगेगा वेलकम लाइट भी। ठीक है, वो भी पुराने ही है। बिल्कुल ठीक है, एक बार अंदर बैठ के दिखाते हैं। तो इंटीरियर दिखाते हैं, तो इंटीरियर में सबसे पहले सीट कवर्स दिखाते हैं। सीट कवर है, ठीक है, सीट कवर्स हमने इसमें ब्लैक एंड रेड लगाया, कस्टमर का नीड था, मुझे ब्लैक एंड रेड में चाहिए था। ठीक है, इसके बाद इस बार सीट कवर में थोड़ा कंपनी ने चेंजिंग किया है डिजाइन, वो अपने पास जल्द अपना बनना चालू हो गया, कल अपने पास पीस आ जाएगा, मैं पूरा सामान के साथ आपको वीडियो दिखाऊंगा। ठीक है, सीट्स वैसे ऑलमोस्ट सेम है पुरानी क्रेटा से। हाँ, तो एक नई चीज निक्कू भैया ने करा, ये भी फर्स्ट टाइम है। हाँ, नई वाले 2020 के लिए फर्स्ट। ठीक है, रीडिंग लैंप इंस्टॉल करा हुआ है निक्कू भैया ने इसके अंदर, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। हाँ, तो बहुत सी चीजें हैं इसके अंदर जो फर्स्ट टाइम इन इंडिया होने वाली है। इसके अलावा अपना सनग्लास होल्डर वही पुराना वाला है। ठीक है, सनग्लास होल्डर भी अभी भी वही वाला लग रहा है क्रेटा का। हाँ, और ये ओरिजिनल है, हमने आपको हर वीडियो में दिखाया, हर वीडियो में अभी बोला, अभी भी 25% डिस्काउंट। ठीक है, 25% डिस्काउंट अभी भी अवेलेबल है, विद जीएसटी बिल के साथ आप ले जाओ। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या है कि इस बार सबसे बड़ी चीज हुंडई ने क्या किया, इस बार अपना डैशबोर्ड चेंज कर दी। ठीक है, डैशबोर्ड अब चेंज कर दिया, बिल्कुल पहली क्रेटा के कंपैरिजन में बिल्कुल डैशबोर्ड चेंजिंग है, यहाँ तक कि ए वाला सेम है। ठीक है, ये पार्ट सेम है, बाकी डैशबोर्ड चेंज कर दी। ठीक है, ये वाला पार्ट चेंज कर दी क्योंकि पहले गुलाई में यहाँ तक आता था। ठीक है, इसको कट कर दी, मोबाइल वाइल रखने के लिए, कुछ भी रखने के लिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें डिस्प्ले साइज हमने लगाया 13 इंचेस वाली। हाँ, डिस्प्ले आ चुकी है इसकी, आप लगवा सकते हो अगर आपको लगवाना है तो, अवेलेबल है अपने पास बिल्कुल। बाकी एक बार ध्यान से फिर से देख लो, क्रूज कंट्रोल और ये अपना स्टीयरिंग कंट्रोल, ये वाला है न्यू क्रेटा का, दूसरा मत लगवा लेना कहीं जाके। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ओरिजिनल ये वाले रहने वाले, और स्टीयरिंग भी स्टिच करा हुआ हमने बिल्कुल। ठीक है, वो भी जिगजैग में करा हुआ है। हाँ हाँ। तो मेनली हमने सारी चीज अंदर की दिखा दी, फ्रंट में इसमें कुछ है यूएसबी? अरे इस बार तो कंपनी यूएसबी देने लगा, बेसमेंट फ्रंट एंड बैक दोनों में, रियर में देगा, पैसे बचा दिए कस्टमर के। इस बार फ्रंट में भी यूएसबी दे दिया और बैक में भी दे दिया, बैक में भी मिला हुआ हमें। तो कुछ ऐसी चीज और है कि इसमें बची हो? अभी बहुत चीज बची हुई है, बहुत बची है, वो हम हर वीडियो में करके दिखाएंगे, अभी बताएंगे नहीं, सस्पेंस क्रिएट करते हैं थोड़ा सा। और मैं चाहता हूँ थोड़ी सी इस वीडियो में हम सामान भी दिखाएं। ठीक है, इसमें ट्विटर सैश लगा दिया मैंने। ठीक है, ट्विटर सैश वही पुराने वाला ही लगता है, पुराने वाला लगता है। ठीक है, सेम ही लगता है, सेम लगता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग गाड़ी डिफरेंस, अलग अलग जैसे कस्टमर का चॉइस है, उस
लेवल का मॉडिफिकेशन करके देंगे। ठीक है, ठीक है। जैसे अभी अभी हम इसमें बता रहे, बहुत ऐसी आइटम है जो यूनिक सामान है जो कस्टमर का नीड नहीं था, नहीं लगवाए, हमारे पास आ चुका है, और जिनको नीड चाहिए कि लगाना है तो मिलेगा आपको। ठीक है, तो एक बार हम ओनर का रिव्यू लेते हैं, फिर उसके बाद शॉप में जो अपने पास सामान आ चुका है क्रेटा के लिए वो भी दिखाते हैं। सो फाइनली न्यू क्रेटा का काम कंप्लीट हो गया, तो अपने साथ ओनर है, उनका नाम जानते हैं सब। साजिद। ठीक है, तो कहाँ से ट्रेवल करके आए? कश्मीर से। कश्मीर से आप आए हो दिल्ली? दिल्ली के। तो कैसे पता लगा आपको? निकू भाई के यूट्यूब पे वीडियो देख रहे थे इसके। ठीक है, तो भैया के यूट्यूब के थ्रू पता लगा आपको। तो जैसे ही दिखाते हैं वैसे ही काम है? वैसे ही काम होता है। आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल गए? हाँ, ओरिजिनल पार्ट्स लगाते हैं। ओरिजिनल ही लगा। डिस्काउंट मिला आपको? हाँ, डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट भी, हाँ डिस्काउंट भी दे रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर दोबारा मौका मिले विजिट करेंगे? आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, दोबारा आएंगे। बाकी एक छोटे से मार्क्स पूछते हैं आपसे, 10 में से आप कितने देंगे? 10 ही दे दो फुल मार्क्स। ऐसा तो नहीं हम बुलवा रहे हैं? नहीं, हम थोड़ी किसी से बुलवाएंगे, खुद बोलते हैं। तो निक्कू भैया, कस्टमर रिव्यू ले लिया हमने, अब एक बार ना स्विच होते हैं, हम अपने सारे प्रोडक्ट्स दिखाते हैं एक बार। तो अब शॉप में आ चुके हैं, अब निक्कू भैया कुछ चीज़ें दिखाएंगे कि अपने पास क्या क्या अवेलेबल है और क्या डिफरेंस है न्यू एंड ओल्ड क्रेटा। देखो, दिखाने के लिए तो अपनी गोदाम थोड़ी भर चुकी, टाइम हो चुका है, नहीं तो दिखाने के लिए तो मैं इतना सामान दिखा दूं क्रेटा के अंदर कि शायद कोई ला सकता है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, अपने पास जो मैं बताया हूँ सिर्फ गाड़ी में आपको जो मेनली स्कैम होता है वो होता है स्टीयरिंग कंट्रोल के अंदर। देखो, अभी जो पुराने वाले क्रेटा के अंदर ये आता था। ठीक है, तो एक बार डिफरेंस दिखाते हैं, इसे रखते हैं यहाँ पे। ये है अपनी ओल्ड क्रेटा का। हाँ बिल्कुल। ठीक है, और ये अपनी न्यू क्रेटा का। हाँ। देखने में दोनों सिमिलर है। हाँ। ये भी लग जाएगा न्यू क्रेटा के अंदर, बिल्कुल लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो डुप्लीकेट आते थे बहुत पहले। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा पीछे देख के, हुंडई किया की बैजिंग होती है। हाँ। ठीक है, इसमें भी होगी। हाँ, ये क्योंकि न्यू है। हाँ। ठीक है, तो अगर लगवा रहे हो कहीं से भी ये वाला लगवाना, कम कॉस्टिंग में ये भी लगा सकते। दोनों का सेम रेट है यार। सेम रेट है। ठीक है, सेम रेट है, लेकिन आप लगवाना ये वाला ही क्योंकि अब ये वाला आता है। इसके अलावा मैंने सनग्लास होल्डर बोल दिया। सनग्लास होल्डर भी है। सनग्लास होल्डर के जैसे मैंने बोल दिया कि आपको ये हुंडई जेन्युइन है। ठीक है, ठीक है। इसमें भी आपको पीछे बैजिंग, टॉप मॉडल वाला भी मिल जाएगा। लोकल भी आपको बैजिंग नहीं है, ब्लू हरा बटन नहीं है, ब्लू बटन नहीं है, तो लोकल आता है। इसके अलावा चलो मैं सीधी सी बात करता हूँ, स्पीकर का रेंज तो अपने पास बहुत सारा आता है। जिनको जेन्युइन काम करना है उनके लिए बॉस का स्पीकर। तो निक्कू भैया मैं क्या सुन रहा हूँ, 10,000 में मिल जाते हैं आजकल, ये क्या है? ये 50,000 पीस खरीद लूंगा 10,000 में स्पीकर मिल जाए तो मतलब ये फ्रॉड बना। लोकल बॉस का स्पीकर है, कॉपी निकल चुका है मार्केट में, उससे सावधान रहे। ठीक है, स्पीकर मिल नहीं सकता, मैं स्पीकर बॉस का स्पीकर दूंगा 20 जीएसटी बिल के साथ दूंगा। जीएसटी बिल के साथ ओरिजिनल बॉस है। तो कहीं पे 10,000 का मिल रहा तो आप मिला सावधान रहे, कॉपी क्योंकि 10,000 में तो अच्छे रेंज का पैनियर सोनी का स्पीकर नहीं मिलता। ठीक है, तो इसको देख लो, ऐसा आता है अपना ओरिजिनल, तो एक बार पीछे से दिखाना ये रहा बॉस। ठीक है, ये देखो बॉस लिखा हुआ आएगा, तो कॉपी से बच के रहना। बिल्कुल, मैं मेरा कहने का मतलब है बॉस का स्पीकर आप लोग के लिए फिटिंग करके 25,000 का चारों स्पीकर है। चार स्पीकर 25,000, 6 इंच का, अगर पीछे 5 इंच लगवा लेते हो तो आपको थोड़ा 21-22 में आ जाता है। ठीक है, तो अगर चारों 5 इंच में लगाए तो चारों 5 इंच में लगाते हो तो आपको लग जाएगा 15,000-16,000 रुपये। ठीक है, हमने दोनों का डिफरेंस बता दिया, 5 इंच और 6 इंच बोज में ही बताया, ये नहीं कि कोई लोकल बता रहे हम। और अगर वैसे तो अपने पास एंड्रॉइड वगैरह काफी वैरायटी है, बहुत सारे एंड्रॉइड का तो कोई रेंज नहीं है आजकल, 4,000 से लेकर 40,000 तक एंड्रॉइड है। और ऐसी मैं बोला हूँ बॉस का स्पीकर जहाँ भी 10,000 का मिल रहा है चारों स्पीकर, वो कॉपी है, कृपया सावधान रहे, बॉस का स्पीकर कभी 10,000 में 4 नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, और ये वाली क्रेटा में मोस्टली हमने दिखाया है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया चीजें। तो अभी नेक्स्ट पार्ट में दिखाते हैं बाकी चीजें कि क्या क्या अवेलेबल है अपने पास। अभी वीडियो को यहीं एंड करते हैं, लेंथी हो गई होगी वीडियो, बाकी ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।